हेलो एवरीवन वेलकम टू सोनम क्लासेस आज हमारा टॉपिक है वेट एन बॉन आर्ट जो कि हमारे एमएससी में एब्जेक्ट एल्ज्रा सब्जेक्ट के अंदर है तो वेटर बन थ्योरम जब एग्जाम में आती है सिक्सटीन मार्क्स की आती है क्योंकि बहुत ही लेंथी होती है इस थ्योरम के अंदर हमारे लैमास भी यूज होंगे कुछ रिजल्ट्स भी यूज होंगे लेकिन हमें लैमा का प्रूफ नहीं देना है इस थ्योरम में क्योंकि थ्योरम खुद भी बहुत लेंथी है तो लैमा की ओनली स्टेटमेंट देंगे और कुछ रिजल्ट्स भी हम देंगे और ये एग्जाम में सिक्सटीन मार्क्स की आती है तो पेपर में स्टेटमेंट प्रूव करके आता है तो उसकी स्टेटमेंट भी हमें खुद लिखनी होती है तो स्टेटमेंट देखो क्या दे रखी है आर बी एन आटीनियन रिंग विद यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो आइडियल्स मतलब उन्होंने हमें ये गिवन दिया है कि ये जो आर है ये आर्टीनियन रिंग है मतलब हमें पहले से आर्टिनियन रिंग गिवन है हम जानते हैं आर्टीनियन क्या होता है जहाँ पर हमें डिसेंडिंग चेन मिलती है और वो डिसेंडिंग चेन कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद स्टेशनरी हो जाती है ठीक है फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि एक तो आर्टीनियन रिंग होगी और यूनिटी दैट मीन्स जो आर है उसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी है हैविंग नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल और एक और चीज़ दी है कि जो हमारी आर रिंग है वो निलपोटेंट आइडियल नॉन जीरो वाला नहीं रखती ध्यान से उसे बोला है कि वो नॉन जीरो वाला nilpotent आइडियल नहीं रखती कौन आर तो हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया कि आर एक आर्टीनियन रिंग है उसके अंदर यूनिटी भी है और वो नॉन जीरो nilpotent आइडियल नहीं रखती देन हमें क्या चीज प्रूव करनी है हमें ये प्रूव करना है कि जो आर है वो आइसोमोफिक है किसके साथ आइसोमॉर्फिक है एक डायरेक्ट सम किसका डायरेक्ट सम जो मैट्रिक्स रिंग है ना ओवर डिवीजन यानी कि डिवीजन वाली फॉर्म में जो मैट्रिक्स रिंग है उसकी फाइनाइट संख्या का जो डायरेक्ट सम है उसके साथ आर क्या होगा आइसोमॉर्फिक तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है तो आप देख रहे हो लास्ट में ये जो आर लिखा हुआ है ये हमारा टू प्रूफ है कि इस आर को आइसोमॉर्फिक दिखाओ डायरेक्ट सम प्लस के ऊपर ये सर्कल लगा हुआ ना दैट दिस इज अ डायरेक्ट सम किसका डायरेक्ट सम चाहिए था मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स रिंग रिंग ओवर किसके डिवीजन के यानी कि मैट्रिक्स रिंग ओवर डिवीजन के फाइनाइट नंबर के डायरेक्ट सम में हमें अपने आर को दिखाना है तो ये हमारा है टू प्रूफ तो हमारा गिवन भी हमें पता चल गया और हमारा टू प्रूफ भी हमें पता चल गया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि यहाँ पर थ्योरम खुद ब खुद इतनी लेंथी है तो हमें इनके थ्योरम में लैमाज यूज होने हैं तो हम लैमा का प्रूफ नहीं देंगे जस्ट लैमा के स्टेटमेंट देंगे तो हमने यही लिखा है बिफोर प्रूविंग द थ्योरम देयर आर सम लैमाज एंड रिजल्ट विच विल बी यूज इन दिस थ्योरम जो इस थ्योरम में यूज होने हैं लेमा और रिजल्ट तो हम सबसे पहले उनके बारे में बताएंगे यानी कि पेपर में हमें लैमा लिख कर आने हैं ओनली स्टेटमेंट लिख के आने हैं रिजल्ट भी लिख कर आने हैं फिर उसके बाद थ्योरम को शुरू करना है ठीक है लैमा का प्रूफ नहीं देना लैमा नंबर वन क्या कहता है कहते हैं कि अगर हमारी रिंग के अंदर कोई मिनिमल लेफ्ट आइडियल हो ध्यान से अगर रिंग के अंदर आपको एक लेफ्ट आइडियल मिले और वो लेफ्ट आइडियल भी कैसा हो लेफ्ट आइडियल जो है हमारा कैसा हो मिनिमल लेफ्ट आइडियल हो तो जब मिनिमल लेफ्ट आइडियल होता है उसके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं या वो उस आइडियल का स्केयर या तो हमारी जीरो के बराबर आएगा यानी कि आइडेंटिटी को रख रहा होगा आइडेंटिटी आइडेंटिट या फिर जो ए है वो आर इंटू ई के इक्वल होगा ये आर इंटू ई में जो आर है वो तो रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ई है ये एक आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आइड एलिमेंट क्या होता है जिसका स्केयर करके वो खुद वापिस आ जाता है दैट मीन्स ई स्केयर इज इक्वल टू ई दैट इज ओवर आईडम्पोर्टेंट एलिमेंट लेकिन ये दो चीजें किसको मिलती हैं जब एक रिंग में कोई मिनिमल लेफ्ट आइडियल हो तो मिनिमल लेफ्ट आइडियल या तो वो होगा इसके इक्वल या फिर होगा इसके इक्वल नंबर नंबर टू क्या कहता है अगर आर एक रिंग हो विद यूनिटी हो हैविंग नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट आइडियल आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक तो हमारा गिवन ही है जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट थी इसका मतलब हमारे इस स्टेटमेंट को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं वो ये लैमा हमें बता रहा है जब आर ए कार्टीनियन रिंग हो यूनिटी के साथ हो और वो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल ना रखता हो देन, तो हमें क्या क्या मिल सकता है देन एवरी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल ध्यान से उसने बोला था नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल नहीं रखेगा उसने क्या बोला था जो नॉन जीरो आइडियल नहीं रखेगा यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है की। की की बात बात नहीं हो रही। कह रहा है। कहते देन तो हमें क्या मिलेगा हर नॉन जीरो आइडियल कंटेन सम नॉन जीरो आईडम्पोटेंट आइडियल यानी कि इस रिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा तो जब हमारे पास नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल मिलेगा वो एक नॉन जीरो आईडियल आइडियल कंटेन करेगा ठीक है यानी कि हम ये चीज यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी इतनी चीज हमें गिवन है तो हमें ये मिला है कि हम जब भी कोई नॉन जीरो लेफ्ट आइडिया लेंगे तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर तो एक आइडिया इंपोर्टेंट एलिमेंट जरूर है लेमा नंबर थ्री लेमा नंबर थ्री कहता है कि अगर आर हमारा आर्टीनियन रिंग है विथ यूनिटी हैविंग no नो नॉन जीरो नॉन इम्पोर्टेंट ये भी हमारा गिवन है है ना दैट मीन्स हम लेमा थ्री का भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं ये क्या कहता है कहते हैं देन एवरी नॉन जीरो आइडियल ऑफ़ आर, आर का जो नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है ये जेनरेट होगा किससे जेनरेट होगा किसी आइड एलिमेंट से आप देख रहे हो दोनों में कनेक्शन क्या है ऊपर वाले ने क्या बोला कि जो लेफ्ट आइडियल है वो नॉन जीरो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट रखता है यानी कि नॉन नौ, जीरो आइड एलिमेंट मान लो ई को अपने अंदर रख रह रहा है अब ये क्या कहना चाह रहा है वो जो ई रखा था ना उसी ई से ये जो R का आइडियल है यानी कि हर आइडियल इसी E से क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा दैट मीन्स ये जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा R इन टू ई के तो ये जो दोनों लैमा है ये दोनों लैमा का रिजल्ट सीधा हमारा आगे काम आएगा हम क्या कहेंगे कि हमारा जैसे ही कोई नॉन जीरो आइडियल मिलेगा हम उसको क्या कहेंगे कि वो किसके इक्वल है आर इंटू आईड इम्पोर्टेंट एलिमेंट आईड इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी कैसा नॉन जीरो वाला तो ध्यान रखने ये दोनों लैमा बिल्कुल आ यूज़ होंगे, हम जस्ट क्या लिखेंगे बाई लैमा एंड लैमा टू एंड लैमा थ्री वी कैन से दैट कि ये जो ए है वो आर इंटू नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है ठीक है, चलो अब आता है हमारा लैमा नंबर फोर लैमा नंबर फोर हमें क्या कहता है लेमा नंबर फोर हमें ये बोल रहा है कि अगर आर एक रिंग है ओके विद यूनिटी ओके हैविंग नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट आइडियल ओके दैट मीनस ये यह यहां से लेकर यहां तक हमारा वही गिवन है इसका मतलब अब हम क्या यूज कर सकते हैं लेमा फोर के अकॉर्डिंग लेट ए आई ए आई विद फैमिली ऑफ मिनिमल लेफ्ट मिनिमल आइडियल सो आर आर के जितने भी मिनिमल आइडियल्स हैं उसकी जो फैमिली है वो ये हो गई आर के क्या लिए हैं हमने मिनिमल आइडियल्स की फैमिली कहते हैं तो अगर आप कोई फैमिली ले रहे हो मिनिमल आइडियल्स की तो वो फैमिली अगर ये चीज हो ये जो आर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा इसी मिनिमल आइडियल्स की फैमिली के सम के इक्वल हो जाएगा ध्यान से क्या बोला है उसने भाई अगर आर एक काटिनियन रिंग है यूनिटी के साथ है नॉन जीरो इम्पोर्टेंट आइडियल नहीं रखती है तो अगर आप कोई मिनिमल आइडियल्स की फैमिली लेते हो तो आर उसी के सम के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो ये हमें किसने बोला लैमा नंबर फोर ने क्योंकि हम आइडियल्स की फैमिली तो लेंगे ही लेंगे है ना क्योंकि अटीनियन है गेस तो हम आइडियल्स की फैमिली लेंगे तो उसने क्या बोला है अगर आप मिनिमल आइडियल्स की फैमिली लेते हो तो फिर अगर वो मिनिमल है मिनिमल है तो वो मिनिमल आइडियल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा आर के इक्वल होगा अब हमारे कुछ रिजल्ट हैं ये रिजल्ट भी हमें एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है और हमें फिर थ्योरम में यही बोलना है बाय द रिजल्ट नंबर दिस बाय द रिजल्ट नंबर दिस ठीक है hmm. चलो आर हमारे पास क्या है एक रिंग है ओके आर रिंग है ये एडिशन का ऑपरेशन ये मल्टीप्लीकेशन का ओके देन द अपोजिट रिंग ऑफ आर आर की जो अपोजिट रिंग है हम उसे किससे डिनोट करेंगे आर के ऊपर ओ पी लिख देंगे दैट द अपोजिट रिंग ऑफ आर इज डिफाइंड एज इस रिंग आर एंड प्लस ध्यान से देखिए प्लस और प्लस यहाँ पर हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था इसका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है ठीक है यानी कि ऑप्शन वेयर द ऑपरेशन ओ इज गिवन एज तो वो क्या कहता है ध्यान से जब आप अपोजिट रिंग के अंदर से दो एलिमेंट लेते हो और उसका ओ ओ यानी कि जो इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का वो लेते हो तो वो किसके इक्वल होगा ध्यान से देखना यही चीज इम्पोर्टेंट है एक्स फिर ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है अपोजिट वाला तो वो क्या कहते हैं वो इन दोनों को उल्टा कर देता है यानी कि y इंटू एक्स ध्यान से ये है अपोजिट रिंग का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और ये है हमारा रिंग का ऑपरेशन तो यानी कि एक्स ओ वाई किसके इक्वल हो जाएगा y इंटू एक्स के तो ये हमारे अपोजिट रिंग का ऑपरेशन है यानी कि जब वो अपनी मल्टीप्लाई ऑपरेशन को शो करेगा तो वो क्या करेगा इस एलिमेंट को कॉम्यूट कर देगा क्लियर होगी ये चीज यहाँ पर ऑपरेशन है इस अपोजिट रिंग का और यहाँ पर जो ऑपरेशन है इस रिंग का ओके तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द अपोजिट रिंग ऑफ आर क्लियर अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिजल्ट नंबर टू रिजल्ट नंबर टू क्या कहता है अगर आर आपकी कोई रिंग है ध्यान से आर आपने क्या ली कोई रिंग और अगर आप इसी आर के ओवर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस की कोई रिंग लेते हो ध्यान से सुनना है ये है रिंग आर ठीक है इसी आर के ओवर आपको मैट्रिक्स की रिंग चाहिए मैट्रिक्स की रिंग चाहिए और वो जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स हो गई जैसे कि उसका ऑर्डर क्या हो गया एन इंटू एन तो ये जो एन इन एन ऑर्डर था ना मान लो मैं आपको कहती हूँ फोर इंटू फोर ऑर्डर तो उसका नाम हो जाएगा आर फोर मैं आपको कहती हूँ फाइव इंटू फाइव ऑर्डर तो आपका हो गया उसका नाम हो गया आर फाइव आप कहते हो कि टेन इंटू टेन ऑर्डर तो आर टेन तो एन इन एन है तो आर एन यानी कि ये आर है रिंग और ये आर एन क्या है इस आर एन का मतलब है ये एन जो है ये शो कर रहा है कि एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की ये रिंग है तो क्या रिजल्ट देना चाह रहा है कहते हैं देन अगर आप इस मैट्रिक्स वाले की क्या निकालते हो अपोजिट तो वो किसके इक्वल होगा कि आप पहले आर का अपोजिट निकाल लो फिर उसकी क्या बना दो मैट्रिक्स वाली रिंग बना दो कहने का मतलब ये है कि ये अपोजिट रिंग अंदर चला गया एन का आ गया बाहर आ गया मतलब क्या है यहां पर था मैट्रिक्स वाले रिंग का अपोजिट निकाला तो कहते हैं पहले आर का अपोजिट निकालो फिर उसकी क्या बना दो मैट्रिक्स रिंग बना दो क्लियर हो गया दैट इज ओवर रिजल्ट नंबर टू Now, our result number three is this. If R is a division ring, अब देखो आपको पता है ना कि हमारा जो थ्योरम का टू प्रूफ है वहां पर हमें डिवीजन रिंग की हेल्प लेनी है मैट्रिक्स की हेल्प लेनी है दैट्स वाई यहाँ पर ये यह जो रिजल्ट है वो अपोजिट को लेकर मैट्रिक्स को लेकर डिवीजन रिंग को लेकर बता रहे हैं अगर आर एक डिवीजन रिंग है ओके okay, तो आर की जो अपोजिट रिंग होती है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी क्या रहती है डिवीजन रिंग रहती है इसका मतलब अगर आपके पास कोई डिवीजन रिंग है अगर आपको कभी अपोजिट रिंग की जरूरत पड़े तो आप आराम से अपोजिट रिंग ले सकते हो बिकॉज अपोजिट रिंग भी क्या होती है रिंग होती है रिजल्ट नंबर फोर रिजल्ट नंबर फोर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज होना है स्टार्टिंग में यूज हो जाएगा थ्योरम में। क्या कहता है कि अगर M कोई है, okay? that, अगर कोई आर मॉड्यूल है, ओके। एंड सच सिंपल आर मॉड्यूल की फैमिली के सम में लिखा हुआ है ध्यान से क्या बोला है अगर एम एक मॉड्यूल है ठीक है अगर एम सिंपल आर मॉड्यूल के सम में लिखा हुआ है ये सम जो है ये जो एम लैमडास है ये क्या है सिंपल मॉड्यूल और ये सिंपल मॉड्यूल का सम किसके एक है मॉड्यूल के एक, वल है? के एक वल है कहते हैं देन तो फिर आप क्या कह सकते हो इसी एम एक क्या मिलेगी सब फैमिली मिलेगी सब फैमिली मतलब उसके अंदर से कुछ पार्ट कुछ ऐसी छोटी फैमिली उसकी एग्जिस्ट होगी कि पहले वो क्या था सम था तो वो उस छोटी फैमिली के डायरेक्ट सम के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा लेकिन स्पेशली ये जो रिजल्ट है ये उसके लिए जब सम हमारा सिंपल आर मॉड्यूल के फैमिली के सम में होगा ठीक है अब एक रिजल्ट और अभी यहां पर लिखा नहीं हुआ वो वैसे क्या होता है कि जो मिनिमल लेफ्ट आइडियल होता है वो हमारा सिंपल मॉड्यूल होता है कि अभी हमारा आगे रिजल्ट काम भी आएगा कि मिनिमल आइडियल क्योंकि पता है हमारा सब मिनिमल आइडियल में लिखा होगा ठीक है और हमें ये रिजल्ट लगाना होगा तो हम क्या कहेंगे ये रिजल्ट लगता है सिंपल आर मॉड्यूल पर तो हम क्या पहले बताएंगे उसको वी नो दैट कि जो मिनिमल लेफ्ट आइडियल होता है या मिनिमल आइडियल जो होता है वो हमारा सिंपल मॉड्यूल होता है तो हमारा सिंपल मॉड्यूल का सम बन गया मिनिमल आइडियल का सम हमें मिला होगा

ठीक है तो बी आर डायरेक्ट सम ऑफ आर मॉड्यूल अगर कभी भी आपके आर मॉड्यूल के डायरेक्ट सम में लिखा हो तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा तो हमें ये रिजल्ट मिलता है भाई अगर जैसे आपका एम है ये मॉड्यूल है ना दैट मीन्स ये कंप्लीट जो मॉड्यूल होता है हमारा हमारा यहाँ पर आर रिंग की तरह काम करेगा ठीक है पता है ना जैसे हमने जो आर्टिनियन मॉड्यूल पढ़ा है तो वही थ्योरी आर्टिनियन रिंग के लिए होती है बस आर्टिनियन मॉड्यूल को आ, सब मॉड्यूल्स की फैमिली मिलती थी और आर्टिनियन रिंग को आइडियल्स की फैमिली मिलती है ठीक है ना चलो एम क्या है मॉड्यूल्स का क्या है सम हो गया ओके कहते अगर कभी भी मॉड्यूल्स के डायरेक्ट सम में लिखा हो तो हमें इस मॉड्यूल की होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट मिलता है कि इसकी जो होमोमॉर्फिज्म है वो डायरेक्ट सम के इक्वल होती है अब ध्यान से देखना ये डायरेक्ट सम कैसे बनाया इन्होंने ये जो है पहला एम वन है ना ये एम वन है ना पहला ये एम वन आप ध्यान से देखो पीछे फिक्स होया हुआ है और आगे क्या है एम वन से लेकर एम के तक नाम ठीक है दूसरी लाइन में देखो ये एम टू है ना सेकेंड में एम टू फिक्स कर दिया पीछे और शुरू में एम वन से एम के इसी तरह से लास्ट एम के था एम के फिक्स कर दिया और शुरू में एम वन से एम के और ये किसके इक्वल है होमोमोर्फिज्म ऑफ एम फ्रॉम एम टू यानी कि एम से एम पर जाने वाली होमोमोरफिजम की कलेक्शन इस सेट का नाम पता है ना एम से एम पर जाने वाली जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है उन सब की जो कलेक्शन है वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक है एम वन से एम वन पर जाने वाली होमोमॉर्फिज्म एम टू से एम वन पर जाने वाली होमोमॉर्फिज्म पर जाने वाली होमोमॉर्फिज्म इसकी मैट्रिक्स के आइसोमॉर्फिक है क्लियर हो गया दैट इज ऑवर रिजल्ट नंबर फाइव ठीक है अब ये रिजल्ट नंबर फाइव हो गया ये रिंग्स का हो गया वो कहता है कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड एक तरफ से आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म भी बनाती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म इन्होंने ये बता दी कि जैसे कि आपका ये क्या था वन और वन था यहां पर देखो मैट्रिक्स की फॉर्म ये जस्ट एफ रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज फोर मैट्रिक्स वन वन ऑर्डर की या मैट्रिक ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया टू वन ये हमारा क्या हो गया के वन ये हो गया हमारा वन टू ये हो गया टू टू और ये मतलब ये क्या कहते हैं कि ये तो होमोमोरफिजम है ना यहाँ पर जैसे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है हम कहते हैं ना ए वन वन ए वन टू ए वन के हमें पता है वन से के पर है तो इस तरह से बनानी है जैसे कि यहाँ पर ए टू वन ए टू टू ए टू के यहाँ पर लेकिन ये एक एलिमेंट नहीं एक मैट्रिक्स है जैसे मैं आपको ए वन वन ए वन टू बोल रहा हूँ सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ये क्या कह रहे है ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता, करता है ठीक है अब आता है ये जो सिक्स रिजल्ट है ये क्या कहता है सिक्स रिजल्ट कहता है जैसे कि आपने ये होमोमोर्फिजम लिखा हुआ है ना अगर इस होमोमोरफिजम की जैसे ब्रैकेट में ये चीज लिखी हुई है अगर तो ये दोनों अलग अलग हैं तो आंसर क्या आएगा जीरो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये दोनों क्या हैं अलग अलग हैं तो ये क्या बन जाएगा जीरो ये दोनों भी अलग अलग हैं यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो सारे जीरो हो जाएंगे पर पहला दोनों सेम है फिर इसी तरह से ये वाला भी अलग अलग है ये भी क्या हो जाएगा जीरो ये वाला भी अलग अलग है ये भी क्या हो जाएगा जीरो लेकिन ये दोनों क्या है सेम सेम का भी हमने नहीं पढ़ा ये दोनों अलग अलग हैं क्या हो जाएगा जीरो ये दोनों अलग अलग हैं जीरो और ये दोनों सेम है तो कहते हैं कि जब आपका अलग अलग होगा तो तो आएगा जीरो और जब लेकिन सेम होगा सेम होगा तो क्या मिलेगी डिवीजन लिंग इसका मतलब ये हमारी कौन हो गई डिवीजन रिंग हो गई ठीक है ये भी हमारी कौन होगी डिवीजन रिंग होगी ये भी हमारी कौन होगी डिवीजन रिंग होगी और ये जो डिवीजन रिंग है ये वन वन और ये टू टू और ये के के गए यानी कि हमारा ये सारा तो पार्ट क्या हो जाएगा जीरो यानी कि हमारी ये आ जाएगी यहाँ पर डिवीजन रिंग यहाँ पर डिवीजन रिंग और यहां पर भी क्या हो जाएगी डिवीजन रिंग हो जाएगी और बाकी सारे क्या हो जाएंगे जीरो 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 ये अभी हमारे थ्योरम में एज इट इज रिजल्ट यूज होने हैं क्लियर हो गया जब डिफर हो तो जीरो जब सेम हो तो डिविजन रिंग नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम यानी कि इतना चीज आपको तो जस्ट लिख कर आनी है एग्जाम में क्योंकि इन सब का प्रूफ नहीं देना क्योंकि थ्योरम बहुत लेंथी है ओके okay? चलो अब हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं एंड वी नो दैट दट इज गिवन गिवन क्या है हमारा आर एक आटीनियन रिंग है यूनिटी मिली है एंड हमें यह कहा गया है कि कोई भी नॉन जीरो इम्पोर्टेंट आइडियल नहीं रखेगा ओके नाउ स्टार्ट सो फर्स्टली ियन विदिटी एंड दैमा फोर लैमा फोर ने हमें क्या बोला था देखिए लैमा फोर ने हमें क्या कहा था लैमा फोर ने हमें ये कहा था कि अगर आपको आर्टिनियन रिंग विदिटी है आप आर के मिनिमल आइडियल की फैमिली लेकर उसे सम में लिख सकते हैं ठीक है चीके? तो हमने भी यही किया देखो हमने क्या करा आर के मिनिमल आइडियल की फैमिली ली ओके okay, और उसे सम में लिख दिया क्लियर हो गया तो सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया है लैमा नंबर फोर का रिजल्ट कि अगर हमें क्योंकि मिला तब है ना जब ये चीज गिवन है और लैमा फोर में भी ये चीज जब गिवन थी तभी हमें मिला है तो हमने उसको यही कहा है कि आर एक हमारी आर्टीरियन रिंग विद यूनिटी है हैविंग नो नॉन जीरो आइडियल तो हम एक लेफ्ट आई मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली ले रहे हैं और उसका जो सम है वो आर के ही बराबर है क्लियर हो गया तो बाय दिस लैमा फोर वी हैव रिटर्न दिस क्लियर अब यहां तक लिख दिया अब ध्यान देना और आपको मैंने अभी बताया भी था कि मिनिमम लेफ्ट आइडियल क्या होता है सिंपल इसका मतलब ये जो ए आईज़ हैं ये सारे क्या हैं मिनिमल आइडियल हैं तो इसका मतलब ये सारे ए आई क्या हो गए सिंपल हो गए इसका मतलब ये जो आर है वो क्या हो गया सिंपल मॉड्यूल्स की फैमिली का सम हो गया है ना? तो हमने क्या लिखा कि ये जो मिनिमल लेफ्ट आइडियल है ए आईज़ ये मिनिमल लेफ्ट आइडियल की फैमिली थी अब ये किसकी फैमिली बन गई सिंपल मॉड्यूल की फैमिली बन गई इसका मतलब ये जो आर है ये सिंपल मॉड्यूल का क्या हो गया सम हो गया अब आपको याद है कि हमने रिजल्ट नंबर फोर पढ़ा था रिजल्ट नंबर फोर ने क्या कहा था कि अगर कभी भी कोई मॉड्यूल हमारे सिंपल मॉड्यूल के साम में लिखा गया हो अगर आपको मिले कि सिंपल मॉड्यूल के साम में कोई मॉड्यूल मिल रहा है दैट मीन जैसे कि हमारी रिंग मिल रही है आपको मैंने बताया था ना कि हमारी स्टडी रिंग पे चल रही है अगर हमारे सिंपल मॉड्यूल्स के साम में रिंग मिल रही है तो हमें उस सिंपल मॉड्यूल फैमिली की एक सब फैमिली मिलेगी कि हमारा जो रिंग है उस सा जो सब फैमिली के सम डायरेक्ट सम के क्या हो जाएगा इक्वल तो यही चीज हमने क्या लगाई यहाँ पर ये जो आर था हमारा मिनिमल लेफ्ट आइडियल का सम था मिनिमल लेफ्ट आइडियल सिंपल है तो ये सिंपल मॉड्यूल का सम हो गया तो हमने उसको क्या कहा बाय द रिजल्ट नंबर फोर देर एग्जिस्ट सब फैमिली ए आईज फ्रॉम द इंडेक्स डैश जैसे इंडेक्स फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडेक्स डैश सब फैमिली को ऑफ द फैमिली ऑफ द मिनिमल लेफ्ट आइडियल सच दैट ये चीज आ गई क्लियर होगी ये चीज़ ये जो ए आई जो, जो है हमारे सिंपल मॉड्यूल्स की क्या होगी फैमिली होगी क्योंकि मिनिमल लेफ्ट आइडियल सिंपल मॉड्यूल है तो आर को हम इसके डायरेक्ट सम में हमने क्या कर दिया लिख दिया क्लियर होगी ये चीज़ तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट नंबर फोर भी अप्लाई हो गया। पहले नंबर नंबर फोर फोर लगा, फिर उसी को हमने पहले सिंपल मॉड्यूल बनाया और फिर उसी के ऊपर रिजल्ट नंबर फोर लग गया क्लियर अब आपको याद है लैमा वन और लैमा टू ने हमें क्या कहा था लैमा वन ने हमें क्या कहा था कि अगर कोई मिनिमम लेफ्ट आइडियल हो तो उसको एक आइडम्पोर्टेंट आइडियल आगे जो है जरूर लेमा वन ने कहा था कि ए स्केट जीरो के इक्वल होता है और ए आर ई के इक्वल होता है लेमा नंबर टू ने कहा था कि अगर आटीनियन रिंगो यूनिटी हो हैविंग नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट तो उसका जो हर लेफ्ट आइडियल है वो कोई नॉन जीरो आइड एम्पोर्टेंट आइडियल जरूर एलिमेंट जरूर, जरूर कंटेन करेगा है ना हर नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा और फिर वो ए यानी कि वो आइडियल खुद आर ई के इक्वल होगा कहा था ना तो देखो हमने यही लिखा है आर क्या है रिंग विद यूनिटी तो एक बात तो विद यूनिटी है इसका मतलब आर के अंदर वन है चलो भाई ठीक है वन हो गया ये अभी, अभी तुम तो ऊपर क्या कह रहे हो कि आर के सम में लिखा जाता है अच्छा ये जो ए आईज है ये सिंपल मॉड्यूल भी है ये जो ए आईज है मिनिमल लेफ्ट आइडियल भी है मिनिमल लेफ्ट आइडियल है मतलब लेफ्ट आइडियल भी है तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर लेफ्ट आइडियल हो अगर आर ए काटीनियन रिंग हो यूनिटी हो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट आइडियल रखता हो तो वो एक नॉन जीरो आइड एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा कौन हर नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल एवरी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल एक आईड इंपोर्टेंट एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा तो एक बात बताओ जब ये आर इसके सम के इक्वल है तो जो इसका पहला लेफ्ट आइडियल होगा उसको भी कोई ना कोई आइड इंपोर्टेंट एलिमेंट मिलेगा जो दूसरा होगा उसको भी कोई ना कोई आइडापोर्टेंट एलिमेंट मिलेगा इसी तरह से जो लास्ट वाला होगा उसको भी कोई आइडापोर्टेंट एलिमेंट मिलेगा और क्योंकि आर सम इनके सम में लिखा जा रहा है डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या होती है डायरेक्ट सम की डेफिनेशन ये होती है कि इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन द सम ऑफ दिस यानी कि इसके सम में यूनिकली एक्सप्रेस होगा तो इसका मतलब हर एक से हमने एक एक आईडी इंपोर्टेंट एलिमेंट ले लिया और वन को क्योंकि वन तो तो का था, रिंग का है सम में दिखाना था तो हमने दिखा दिया ये दिखाया किसे? स्पेशली लिखा है लेमा वन ने हमें ये कहा है कि हर लेफ्ट आइडियल से एक आईड इंपोर्टेंट एलिमेंट जरूर कंटेन करता है तो हर किसी का ले लिया डायरेक्ट यूनिकली एक्सप्रेस होगा हो गया अब ये जो ई आई वन ई आई टू ई आई एन इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ए आईज हैं ये जो सब फैमिली है हमें क्या पता है ये सब फैमिली में कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स यूज़ हुआ है तो दैट्स तो वाई ये आई आगे रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमने पीछे वन टू एन सफिक्स यूज कर लिया क्लियर हो गया जस्ट फॉर अ नोटेशन ओके अब लेमा टू ने हमें क्या कहा था टू ने तो हमें बोल दिया ई रखेगा और लेमा थ्री ने हमें क्या कहा था कि वो जो फिर ए होगा वो जो ई मिले होंगे ना उसी की आर से मल्टीप्लाई होके ए उसके इक्वल हो जाएगा इसका मतलब पहले वाले को हमने क्या दिया ई आई वन इसका मतलब ई आई वन की आर से मल्टीप्लाई होकर यानी कि जो हमारा पहला है जो पहले नंबर वाला ए आई होगा वो ए आई कह रहा है मुझे ये एलिमेंट मिला है जैसे आपको मैंने बताया ना भाई अगर ए एक आइडियल है अगर उसको ई e मिल रहा है आइड तो फिर वो ए किसके इक्वल होगा आर की उसी आइड एम्पोर्टेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो जो पहले वाला मिनिमल आइडियल होगा अब मुझे क्या पता वो पहले वाला क्या है मान लो उसका नाम ए आई वन रख दिया तो ए आई वन को मिला ई आई वन तो ई आई वन अपनी आर से मल्टीप्लाई करेगा तो ए आई वन किसके इक्वल हो जाएगा आर ई वन के इसी तरह से दूसरे वाला है जो ए आई टू है उसको कौन सा आईड इम्पोर्टेंट एलिमेंट मिला ए आई टू तो इसका मतलब जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा आर इन टू आईड इम्पोर्टेंट एलिमेंट के तो दूसरे वाला इसके इक्वल हो गया फिर इसी तरह से लास्ट वाला इसके इक्वल हो गया क्लियर होगी ये चीज क्योंकि R हमें इनके सम में दे रखा था मान लो R जो है यूं लिखा हुआ है ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस अप टू अपू ए आई वन तो ए आई वन किसके इक्वल हो गया R इन टू समिंग ए आई टू इसके इक्वल ए आई एन ठीक है ये जस्ट आपको मैंने नोटेशन जस्ट बताई है क्योंकि ये हमें एक सब फैमिली दी हुई है अब हमें क्या पता सब फैमिली में कहां से कहाँ तक जा रहा है इसीलिए हमने आई को आई में ही शो किया क्योंकि आई की वैल्यू कहीं से भी कहीं तक जा सकती है ओके तो हमने स्पेशली पीछे लिखा है बाई यूजिंग लैमा वन टू एंड थ्री हमने इन तीनों लैमा का यूज कर लिया क्लियर होगी ये चीज चलो चाहे आप चाहो तो लैमा टू एंड थ्री भी लिख दो क्योंकि वन तो यूं था कि ए आर ई के बराबर होगा या ए के जीरो के बराबर होगा तो आप चाहो तो लैमा टू एंड थ्री भी लिख सकते हो ठीक है तो अब हमारा फाइनली जो आर था वो इनके इक्वल हो गया जिसमें हमें ये नहीं पता कि जो आई की वैल्यू है कहाँ से कहाँ पर वेरी करी है अब हम इस आर को ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे यहां वन था ना वन एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था तो जब यहां टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर भी हमने क्या किया जैसे इन सबकी आर से मल्टीप्लाई करी तो आर इन वन यानी कि आर दिखा दिया क्लियर अभी मैंने आपको कहा ना अब इस थोड़ा सा आर को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये आई का हमें नहीं मालूम कि सफिक्स कहाँ से कहाँ पर चल रहा है क्योंकि सब फैमिली में उन्होंने क्या इंडेक्स यूज़ किया है ठीक है तो हमने उसको क्या कहा कि ठीक है हम इसकी थोड़ी सी नोटेशन ठीक कर देते हैं तो जो अब थोड़ा सा पैराग्राफ आने वाला है वो थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन है थोड़ा सा मतलब आ, जैसे री इंडेक्स करना है ना तो जस्ट उसे वर्डिंग्स लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो री इंडेक्स करेगा ओके okay? मतलब री इंडेक्स मतलब इंडेक्स को दोबारा से रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि इसने आर ई वन आर सॉरी आर ई आई वन आई टू आई एन अब इसके लिए थोड़ी सी वर्डिंग्स लिख रहा है देखो क्या लिखा है आफ्टर री इंडेक्स री इंडेक्सिंग इन द अबव एक्सप्रेशन इस अबव एक्सप्रेशन में हम री इंडेक्स कर रहे हैं री इंडेक्स पता क्या कर रहे हैं ये जो आई वन था हमने ए वन लिख दिया आई टू को टू लिख दिया आई एन को एन लिख दिया अब कैसे ये थोड़ी सी वर्डिंग्स हम लिख लिखकर उसको बता जैसे ये मिनिमल लेफ्ट फैमिली है इस में हमने क्या किया? जो, थी ना? जो क्या थी लार्जेस्ट सब फैमिली थी चूज करिए एक लार्जेस्ट सब फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल दैट आर दैट देर आर नोट आईसो मोफिक टू ईच अदर एज लेफ्ट आर मॉड्यूल्स ध्यान से वो पता क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमने जैसे यहाँ पर क्या लिखा था सम लिखा था ना अब सम लिखा था अब क्या ही पता ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ पर है तो कहते हमने इसके अंदर से ना वो वाली फैमिली चूज कर ली सबसे बड़ी वाली जितनी भी बड़ी हो सकती थी सबसे बड़ी वाली फैमिली चूज कर ली इसकी और उसको बना दिया ये और इसको चूज करने का क्या पर्पज था कि हमने सबसे बड़ी फैमिली ले ली जो कि सारे के सारे मिनिमल लेफ्ट आइडियल को अपने पास रखता भी होगा जो कि एक दूसरे के साथ आइसोमोफिक नहीं होंगे क्योंकि जब एक दूसरे के साथ जो आईसो होंगे वो तो लेने का फायदा नहीं है ना वो तो सेम स्ट्रक्चर हो गया उसने क्या कहा हमने वो वाली लार्जेस्ट फैमिली सब फैमिली ले ली हमने ऐसा इंडेक्स ले लिया कि जिसके अंदर पीछे वाली सारी कवर हो जाएंगी जो एक दूसरे के साथ आईसोमोफिक नहीं है ताकि हमें आई वन आई टू इतना ना लिखना उसने ये चीज बता दी ठीक है तो कहते दोबारा से हमने री नंबर किया इफ नेसेसरी कि हमने पहले क्या किया इसमें कन्वर्ट किया अब इसी के अंदर से भी वो वाली छाट ली जो एक दूसरे के साथ आइसोमोफिक नहीं थे तो पहले एन रिप्रेजेंट हो रहा था अब जो एक दूसरे के साथ आइसोमोफिक थे वो तो हट गए बिना वाले आ गए तो अब हमने वहां पर उसका नाम क्या रख दिया के रख दिया समझ के अब आप कहोगे क्या पता वो आपस में आइसोमोफिक हो ही ना तो फिर एन के के बराबर हो जाएगा और अगर आइसोमोफिक होंगे तो एन बड़ा होगा बाकी हमने कम वाली ले ली समझ के ना लेकिन हमने लार्जेस्ट छाटी है उसमें से जिससे हमारे सारे कवर हो जाए तो मैंने आपको कहा था

एन आई में आर ई आई के साथ आइसोमोफिक है वो इसकी संख्या की बात कर रहे हैं देखो एन आ गया ना क्योंकि आइसोमोफिक की बात कर है तो आर किसके बराबर हो जाएगा थोड़ा ध्यान से पहले तो एन आई था आई अगर हम वन लें तो एन आई आई अगर वन है यानी कि एन वन एन वन में आर ई वन के साथ थोड़ा सा ध्यान देने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट है ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है देखो क्या है मैं आपको बताती हूँ ये जो आर ईवन है ना उसने क्या कहा आर ईवन आर ई टू आर एन जो कि ये वाले थे ठीक है इसमें जो हम अब अलग अलग समेंट ले रहे हैं उस समेंट में जो इसके साथ आइसोमौफिक है इस फैमिली में एन आई में जो इसके साथ आइसोमौफिक है अब हम उसे इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं देखो जैसे आर ईवन है तो पहले वाला क्या ले लिया आर इवन फिर प्लस डायरेक्ट सम अब अप टू अप टू डैश डैश हमने इसको क्या कहा पहला समेंट क्या ले लिया n1 फिर इसी तरह से r e2 और ये r e के तो दूसरा n2 समेंट फिर n3 समेंट अप टू अप टू n के समेंट तो इस चीज को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जब हमने ये चीज बनाई इससे ये जब हमने बनाया कैसे बनाया कि जब हर समेंट के अंदर जो आइसोमोफिक थे उनकी संख्या हम लेते गए मतलब आपको जस्ट ये याद रखना है कि यह जो R है वो इस तरह से समेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा और समेंट में पहला पहला रिप्रेजेंट कर देना आर ई वन आर ई टू अप टू R आर ई के क्लियर हो गया क्योंकि शुरू में ये था ना समेंट था तो ये जो आर ई वन है तो आर ई वन ने अपने को क्या लिख दिया आर इन डायरेक्ट समर ई टू डायरेक्ट सम ब्रैकेट बंद आर ई एन नहीं लेंगे क्यों क्योंकि आइसोमोफिक वाले हटा दिए तो आर ई के समेंट ब्रैकेट बंद मतलब टोटल हमारी एन वन से एन के तक समेंट कर दिए जो एन एन तक समेंट था वो हटा दिए क्लियर होगी तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन है यहाँ पर जो कि आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो आपने जस्ट क्या करना है देखो पहले ये लिखा ठीक है ये लिखने के बाद हमने उसको क्या कहा इसमें से लार्जेस्ट फैमिली हटाओ लार्जेस्ट फैमिली बनाओ जो कि इसके साथ आइसोमोफिक ना हो फिर हमने उसको फैमिली के तक दे दी अब वो के तक, तक तो दे दी कहते अब समेंट में भी तो लिख के दिखाओ समेंट में जब लिखा तो हर समेंट अपना अलग समेंड अपना अलग समेंट लिखेगा एन वन अपना अलग एन टू अपना अलग एन के अलग तो इससे क्या कि जो आर इवन था ना ये वाला सम तो चल ही रहा है आर ईवन को भी कहा कि आप अपना समेंट अलग बना लो आर ई टू को भी कहा कि आप अपना समेंट अलग बना लो इसी तरह आर ई के जगह हमारा क्या होगा ई e, के क्यों क्योंकि हमने वो वाला हटा दिया तो फाइनली आर हमारा बन गया ये अब आपको रिजल्ट नंबर फाइव याद है क्या कहा था अगर कोई मॉड्यूल किसी मॉड्यूल के डायरेक्ट सम में लिखा जाए तो उसको होमोमोर्फिज मिलती है ये था ना अगर अब देखो हमारा जो R है वो किसी तरह से डायरेक्ट सम में तो आ चुका है कैसे था आर इ वन प्लस समेंट समेंट ब्रैकेट फिर आर ई टू सम इसी तरह से आर ई के समेंट सम ठीक है ये चीज होगी सम सम तो वो क्या कह रहा है कि जब ऐसे सम में लिखा जाए तो हमें इस वाले की एक होमोमॉर्फिज्म मिलती है ठीक है यानी कि हमें इस आर वाले की क्या मिलेगी एक होमोमो मिलेगी यहाँ पर भी आर और यहां पर भी क्या लिखा होगा आर आर तो वो क्या कह रहा है कैसे मिलती है वो आपको पता ही है ये वाली पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर हम सीधा क्या कहेंगे बाय द रिजल्ट नंबर फाइव रिजल्ट नंबर फाइव में आएगा ये वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर पहले रिजल्ट में लिख चुके होंगे आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाता है और मैट्रिक्स ने क्या कहा था अगर दोनों अलग अलग होंगे तो जीरो आएगा सेम सेम होंगे तो डी आएगा तो सीधी सी बात है हमें पता है जब हम अपनी इसके होमोमॉर्फिजम बनाएंगे है ना तो हमारे ये जो पहला नंबर ये दूसरा नंबर और ये के वाला नंबर ये वाले सिर्फ क्या होंगे सेम और बाकी सारे क्या होंगे डिफरेंट तो हम सीधा उसको क्या कहेंगे बाय द रिजल्ट नंबर फाइव और सिक्स हमारी सीधी ये आ जाएगी डिविजन रिंग ठीक है आप उसको लिख के दिखाते हैं देखिए वे आर ईच सेट ऑफ ब्रैकेट ये किस चीज की बात कर रहे हैं तो हमने अपनी थियोरम यहाँ पर छोड़ी थी ना वे आर ईच सेट ऑफ ब्रैकेट आईसम ऑफिक मिनिमम लेफ्ट आइडियल एंड नो मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट इज आईसम ऑफिक टूर मिनिमम लेफ्ट आइडियल इन अन अदर पेयर वी ऑब्जर्व एक का नाम मान लो आर ई आई है और एक का नाम आर ई जे है अगर तो ये दोनों इक्वल होंगे है ना तो तो डिवीजन रिंग मिलेगी और अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो जीरो मिलेगा तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी भाई इसकी होमोमॉर्फिज्म की बात करी भाई अगर ये दोनों चीजें अगर तो इक्वल हुई तो तो हम क्या कहेंगे की डिवीजन रिंग है और अगर इक्वल नहीं हुए इक्वल नहीं का मतलब अगर ये दोनों नॉन आइसोमोफिक नॉन आइसोमोफिक मतलब सेम ना हो तो तो जीरो आएगा बट अगर ये दोनों इक्वल हुए तो शॉर्ट स्लेमा क्या कहता है शॉर्ट स्लेमा के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होंगे डिवीजन रिंग के इक्वल होंगे है ना डी अब आपको पता ही है पहला था वन वन तो हम सीधा क्या लिखेंगे देखो मेकिंग यूज ऑफ रिजल्ट नंबर फाइव सीधा रिजल्ट नंबर फाइव लिखेंगे और कुछ भी हम नहीं बोलेंगे ये पहले वर्डिंग्स बोलती भाई अगर ये नॉन आइसोमोफिक हुए तो जीरो आएगा अगर तो शॉर्ट्स लेमा आएगा रिजल्ट नंबर आइसोम आपको मैंने क्या कहा था ये सारी जगह बाकी ये वाली जगह को छोड़कर बाकी सारी क्या थी सेम नहीं थी तो बाकी सारे आगे जीरो और ये सारी के आगे रिंग और रिंग मैट्रिक्स वाली रिंग बताया था ना स्पेशली रिजल्ट नंबर फाइव के अंदर ये देखो बताया था ना राइट एंड साइड इन द रिंग ऑफ के इन टू के मैट्रिक्स फॉर्म ये सारी मैट्रिक्स की फॉर्म है यानी कि इस तरह से ये इतने ऑर्डर की फिर ये इतने ऑर्डर की ऐसे ये वन इंटू वन ऑर्डर की टू इंटू टू ऑर्डर की लेस से ठीक है इस तरह से हो गया हमारा कि मतलब हमने इस तरह से किया कि ये वन इंटू वन ऑर्डर किया टू इंटू टू की अब यहाँ हमारा वन इंटू वन क्या है पहला क्या था पहला हमारा था एन वन समेंट तो एन वन इंटू एन वन ये क्या था हमारी ब्रैकेट एन टू इंटू एन टू ये हमारा क्या था के समेंट तो एन के इंटू एन के ठीक है ये देखो ये था ना एन वन ये था ना एन टू ये था ना एन के तो ये पहला ये दूसरा ये के मतलब जब सेम था तो डिवीजन रिंग बनी डिवीजन रिंग बनी तो एन वन इंटू एन वन की एन टू इंटू एन टू की एन के इंटू एन के यहां तक क्लियर हो गया अब देखो इस चीज को हमने क्या लिखा डी वन क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था अगर एक मैट्रिक्स एन इंटू एन ऑर्डर की अगर एक मैट्रिक्स की रिंग बतानी हो तो उसको ऐसे लिखते है, है ना एन इंटू एन की तो अगर एक एन वन इंटू एन वन की एक मैट्रिक्स बतानी है तो उसको ऐसे बता दोगे डी एन डिविजन लिंग है ना डी डिवीजन तो लिख दोगे देख लो यहां डी का काम कौन कर रहा है डी वन डी वन और कितने ऑर्डर की है कितने ऑर्डर की है एन वन तो लिख दिया डी वन एन वन ठीक है इसी तरह से ये डी टू सफिक्स में एन टू डी के में के। ये जस्ट क्या है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि मैट्रिक्स के सेट को रिप्रेजेंट कर दिया क्लियर इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या चल रही थी होमोमॉर्फिज्म आर ऑफ़ आर आर ये किसके इक्वल हो गई इन सब के सम के इक्वल हो गई यहां तक आ गया पता है ना ये रिजल्ट होता है जब कोई डायगनल पर हो डायगनल पर हो तो डायगनल के डायरेक्ट सम के इक्वल ये चीज हो गई चलो भाई चलो ये भी हो गया अब ये हो गया अब आपको पता है कि जो होमोमोर्फिज एक रिजल्ट होता है ये जो होमोमॉर्फिज्म होती है कभी सेम सेम तो ये इसके अपोजिट रिंग के बराबर होती है ध्यान से होमोमॉर्फिज्म इसके आइसोमॉर्फिक होती है तो एक बात हमारी लेफ्ट हैंड साइड यही तो है होमोमॉर्फिक इसका मतलब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आर के अपोजिट रिंग लिख सकते हैं तो मैंने किया कि अपनी होमोमॉर्फिज्म पर आर के अपोजिट रिंग लिख दी ये लिखा हुआ है ना रिजल्ट होता है ये लिख दी बाकी सारे यूं के यूं देख लो ठीक अब यहां आर के अपोजिट रिंग है मेरा टू प्रूफ तो है आर को आइसोमॉर्फिक दिखाना ये चलो ठीक है राइट हैंड साइड ठीक है राइट हैंड साइड क्या है भाई हमें ये दिखाना था फाइनाइट नंबर हो ठीक है डायरेक्ट सम हो ठीक है मैट्रिक्स रिंग ओवर डिवीजन ठीक है ले लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो आर की अपोजिट रिंग है ना मुझे तो आर दिखाना है तो एक बात दोनों जगह अपोजिट रिंग दोबारा से ले लें अपोजिट लिया टोटल पर अपोजिट लिया तो डायरेक्ट सम पर क्या हो गया सेपरेट हो गया डायरेक्ट सम पर सेपरेट हो गया अब आपको रिजल्ट याद है ये वाला रिजल्ट अगर डिवीजन रिंग पर अपोजिट रिंग हो तो अपोजिट रिंग अंदर आ जाती है मैट्रिक्स वाला पार्ट बाहर आ जाता है देख लो अपोजिट रिंग अंदर एन वन बाहर अपोजिट रिंग अंदर एन टू बाहर अपोजिट रिंग अंदर एन के बाहर और आपको एक और रिजल्ट बताया था जो अपोजिट रिंग होती है वो भी डिवीजन रिंग होती है देखो अगर आर एक डिवीजन रिंग है तो आर के अपोजिट रिंग भी डिवीजन रिंग है तो अगर डीवन अपोजिट रिंग थी तो डीवन की अपोजिट रिंग भी डिविजन रिंग है ये भी है डिविजनिंग भी डिविजन रिंग है, है तो ये क्या हो गया मैट्रिक्स रिंग ओवर डिविजन का फाइनाइट नंबर का डायरेक्ट सम किसके इक्वल समयिक हो गया आर के तो बट वी नो दैट अपोजिट रिंग ऑवर डिविजनिंग आर इज अ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग ओवर रिंग तो थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होती है अगर आपको अच्छा लगा अच्छे से समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाय